नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केलकर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ, काउंसिलर हूँ। हमारा खुद का हॉस्पिटल है केलकर हॉस्पिटल, जो अकोला में है। मैं पिछले 4 साल से एज अ साइकियाट्रिस्ट अकोला में काम करता हूँ। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है द पावर ऑफ बिलीफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइफ में, जो अगर व्यक्ति को मिल गया तो व्यक्ति सुपर पावर बन सकता है, सुपरमैन बन सकता है, और अगर व्यक्ति ने खो दिया तो व्यक्ति जमीन पे आ सकता है। पावर ऑफ बिलीफ है क्या? बेसिकली बचपन में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस, एक्सपीरियंसेस हमारे आजू बाजू घूमते रहते हैं, और वो होने के बाद उसके ऊपर हम कुछ इंटरप्रिटेशन बना लेते हैं, और वो इंटरप्रिटेशन अगर बनते गए तो धीरे धीरे वो बिलीफ सेट हो जाते हैं। बिलीफ मतलब विश्वास, और हर व्यक्ति वो विश्वास के हिसाब से ही काम करने लगता है। बिलीफ एक ऐसी चीज है जो अगर अच्छी हो तो आदमी को मेक कर सकती है, मतलब बड़ा कर सकती है, और बिलीफ अगर खराब हो तो वो आदमी को पूरी तरह ब्रेक कर सकती है, मतलब तोड़ सकती है। तो हमें ये वीडियो में ये देखना है कि ये बिलीफ जो है उसके कारण हम बड़ा कैसे बन सकते हैं, और बिलीफ हमने बढ़ानी कैसी है, और नया बिलीफ कैसे सेट करना है, वो हमें ये वीडियो में देखना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें सीखनी है वो है कि नेवर फेल, एंड इवन इफ यू फेल नेवर गिव अप। बहुत बार हमने देखा है कि हम हार जाते हैं और हमारा विश्वास टूट जाता है, बाद में हम उभर कर खड़े नहीं रह पाते और बाद में लड़ नहीं पाते। तो हमें ये देखना है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट हाउ मेनी टाइम्स यू फेल, इट इज इंपॉर्टेंट दैट आफ्टर फेलिंग हाउ मेनी टाइम्स यू राइज एंड फाइट बैक। सो बिलीफ में हमने ये देखना है कि हम कितने बार भी फेल हो जाए, कितने बार भी हम हार जाए, फिर भी हमने गिव अप नहीं करना है। अब्राहम लिंकन का एग्जाम्पल हमें सबको पता है। अब्राहम लिंकन जो यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, वो अलग अलग क्षेत्र में खुद के पर्सनल लाइफ में, साइकोलॉजिकली, इलेक्शन वाइज, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बार फेल हुए, 10 बार 11 बार 12 बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने अपना बिलीफ नहीं खोया। उन्हें पता था कि आई कैन डू इट एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई कैन डू इट एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। ये वर्च्यूज यूज करके वो आगे बढ़ते गए, और बाद में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट बने, और पूरे दुनिया को उन्होंने राज किया। जैसे मैंने बताया कि जो दो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है, आई कैन डू इट एंड एनीथिंग इज पॉसिबल, ये वर्च्यूज अगर हमने लाई हमारे दिमाग में और दिल में तो हम पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। ये जो क्वालिटी है ये सभी के लिए फायदेमंद होगी, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो मदर हो, सिंगल मदर हो, चाहे वो एक आर्मी वाला व्यक्ति हो, चाहे वो डॉक्टर हो, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन अगर उसने ये क्वालिटी अगर खुद के दिमाग में डाल दी तो ये कुछ भी पा सकता है, हासिल कर सकता है। जो आर्मी में ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग ही इस वर्च्यू पे होती है, बिलीफ, आई कैन डू इट एंड एनीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि बिलीफ ही है जो हमारे इंडियन आर्मी को आज इतना आगे तक लेके गया है। कितने भी सोल्जर्स डाउन हो, मर चुके हो, लेकिन ये अकेला इंडियन आर्मी का सोल्जर आगे आगे बढ़ते जाता है, क्योंकि उसके पास बिलीफ है, उसे लगता है कि मैं कर सकता हूं। बिलीफ अगर बढ़ाना है तो हमने ये ध्यान में रखना है कि आजू बाजू कितनी भी निगेटिविटी हो, फिर भी हमने एक्शंस लेना चाहिए और परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखना चाहिए। बहुत सारे अलग अलग यूट्यूब पे वीडियोस भी है इंडियन आर्मी के बारे में, जो बताते हैं कि पूरा लेग एम्प्यूट हो गया, गोली लगी है, फिर भी वो इंडियन आर्मी के सोल्जर को पता है कि मुझे ये लड़ाई जीतनी है और मुझे आगे आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है और परफॉर्म करना है। जब वो व्यक्ति एक्शन लेते रहता है और परफॉर्म करता है तो धीरे 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 उसका बिलीफ बढ़ते जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने सुना ही होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्लियरली स्टेट करता है कि जब हमारा बिलीफ ऊंचा हो और हमारी थिंकिंग पॉजिटिव हो तो पूरी कायनात हमें वो चीज दिलाने में लगे रहती है और हमें चीज वो मिल जाती है। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग ये अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारा बिलीफ बढ़ाता है। जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं वो पॉइंट्स आपको आपका बिलीफ बढ़ाने में फायदा होगा उसका, और आपका बिलीफ आप बढ़ा सकते हैं। एक सिंपल सी स्टोरी में बताता हूं आपको। दो बच्चे होते हैं, वो बच्चे एक छोटा एक बड़ा, वो दोनों रास्ते में जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं और गांव के बाहर जाते हैं। वहां एक कुआं रहता है और कुएं में जो बड़ा लड़का है वो गिर जाता है। जो छोटा लड़का है वो इधर उधर देखता है और उसको ये ध्यान में आता है कि मुझे ही ये बड़े लड़के को निकालना पड़ेगा। बाद में
वो रोक डालकर वो बड़े लड़के को बाहर निकालता है और दोनों हंसते हंसते घर पे आते हैं। वो दोनों बच्चे अपने घर वालों को बताते हैं और छोटा बच्चा कहता है कि मम्मी पापा मैंने ये बड़े वाले भैया को, जो बड़ा लड़का है उसके तरफ जाके बोलता है कि मैंने भैया को बचा लिया। सभी लोग बोलते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, ये कुछ भी फेंक रहा है। लेकिन जो मम्मी रहती है वो बोलती है कि हाँ ये पॉसिबल है। ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि जब ये बड़ा लड़का कुएं में डूब गया था तब छोटे लड़का उसे निकाल सका क्योंकि उसे आसपास बताने वाले कोई नहीं था कि ये तू ये कर नहीं सकता। इसलिए छोटे बच्चे को लगा कि मैं डेफिनेटली ये कर सकता हूं क्योंकि निगेटिव वैल्यूज ही नहीं थी, खुद पे फर्म बिलीफ था और बिलीफ होने के कारण वो छोटे बच्चे ने बड़े बच्चे को बाहर निकाला। तो इतना इंपैक्ट हो सकता है अगर हमारा खुद का खुद पे बिलीफ हो। मैं अगले वीडियो में ये पावर ऑफ बिलीफ के बारे में कंटिन्यू करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्द ही आगे का वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।